बाबा जी घर नहीं जाना। फिर ऐसे चंगा ना सुकून है। ओए होए। ते देखो आपका बेटा रोजे में इस दुनिया से गया है, ठीक है ना? हाँ जी। बड़ी खूबसूरत हालत में गया है। ठीक है, आदमी ने पूछ के हुन तुसी कार चलो। पुत्र मैं की करने ने कहा तुसी जिवें कोई करना की अपना करो, मैनू ऐसे बहन ना मैनू कुछ थोड़ा टाइम जगा लेने की पता मेरा भी कहे मेरे साल निकल जाए दम आवे या ना आवे मर गया तो जरा इन्हें को बह लांगा कुछ नहीं दियांगा। आपने अपनी आंखों से देखा है बेटे को मरते हुए? हाँ जी, और बेचारी सच्ची है। आए हाय, जवान बेटा आंखों के सामने चला गया। ओए होए होए होए, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पीर बहावल शाह दरबार पर, जो मेरी बैक पर आपको नजर आ रहा है। इस दरबार पर गुड्डी उड़ाने से रोका आबिद ने, जो के बीनी सुलहरिया गाँव का रिहायशी है। ये कहना नगवार गुजरा कि गुड्डी उड़ाने से क्यों रोका गया। इस बात पर दो घरानों में झगड़ा शुरू हो गया, बंदों को बुला लिया गया, टांगे लाते घोंसे मारे गए। इस झगड़े में दो जाने चले गई। अफसोस मुझे इस बात पर है कि पुलिस ने सबस्पीड थाना, इनको लगता है हदूद है ये सबस्पीड थाने की, आबिद पर पर्चा हुआ, आबिद के खून की उल्टियां की, आबिद पर तशद्दुद हुआ, आबिद को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे पुलिस वाले कि हुजूम ने आबिद को पुलिस की हिरासत से छीन लिया। ये कैसे हो गया? वर्दी की बड़ी ताकत है। वर्दी में मौजूद मुलाजमों से हथकड़ी लगे मुलजिम को छीना गया, उसके सर पर ईंटें मारी गईं, मरे हुए शख्स को धक्के मारे गए, थूका गया, ठुड्डे मारे गए। मरा हुआ शख्स क्या रिप्लाई देता, मरा हुआ शख्स क्या रिएक्ट करता, वो गिरा रहा, लोग धक्के टांगे ठुड्डे मारते रहे। ये क्या माजरा है, ये सब आपको दिखाते हैं। अफसोस की बात यह है कि 95 साल का बूढ़ा बाप सिसक सिसक के रो रहा है अपने बेटे को। आइए सब आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है माँ जी? हाँ ठीक है जी, शुक्र। ठीक हो? शुक्र अल्लाह। माँ जी की होया सी, की झगड़ा बनया है? कोई झगड़ा भी एडा नहीं होया, मेरा पुत्र बने तले पांदा, ओदा बाप भी पांदा, मैं अल्लाह वाल तोल गया फरूक होना। की नाम है बेटे दा? आबिद। आबिद नाम है? आबिद अली। आबिद अली। अच्छा दसो की होया सी? बस उन्हें आख्या मुंडा गुड्डी चार दा पिया सी, ओनू आख्या गुड्डी थले उतर जा दरबार ते। अच्छा गुड्डी चार दा उस मुंडे ने थले आके मेरे पुत्र च फेर मारी है, मेरा पुत्र यारवी तो आंदा पिया सी। अच्छा यारवी तो आंदा पिया सी, ओने की कीता भाई आके तो ओनू ओही लकड़ा लेके ना जेडी देग पकांदे पे सन, ओ लेके मेरे पुत्र दे मारी है। मुंडा रखया दा जे आऊं तुरदा ते मैं नहीं पुछया पुत्रा की होया, मैनू पता ही चोट लगी दी, मैं नहीं पुछया पुत्र नु कुछ गुस्सा ना आए। अच्छा हां मैं ए भी पता गया आबिद नु। आबिद नु ठीक है। मैं आखिया उन्हें आखना मां कोई गल नहीं। अच्छा मैं पुत्रा कोई गल उस मुंडे नाल के बच्चे च फेर मार दी। अच्छा ते फिर उन्होंने फिर दूसरे दिन ना उन्होंने मनसूबा बनाया। आबिद मना कर रहा था कि गुड्डी नहीं चढ़ानी, गुड्डी नहीं जानी। अच्छा छत तू थे आ जा। ठीक है हाँ। ते फिर उन्होंने बाद च ना फिर उन्होंने की किया भाई तुहाडे सामने रहंदे ने? घर सामने। अच्छा ते इस तो पहले भी तुहाडा आपस च झगड़ा रहंदा है कि नहीं? नहीं ओदन भी झगड़ा कोई नहीं सी एडा। अच्छा बनाया, अच्छा उन्होंने बनाया, वो आके इत्थे उन्होंने मुंडे इकट्ठे हो गए ने। हाँ मेरा मुंडा आख लगा पुत्र दुकानदार साडा बुए ना बुए साडियां बेटियां ने। ठीक है तू सहर से रवे कर चलो की लई ते लोड़ गए ऐसे मनसूबा बना के ना वो छोटे बनाते रखे दे। हां ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਲਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ
मेरे बच्चे ने जुल्म ना करना मेरे, मैं भी रोजा रखे दा, तुसा रोजा रखे दा, मैं मतलब साफ दी गल करांगा, तुसी मेरे नाल जेड़ी करोगे मैं ओ तुहाडी आमीन करांगा। अच्छा बड़ा मारिया मेरिया पोतरिया नु मारिया हाथ तोड़े लेने मेरी धी का भी भरा डिग पी गया मेरी छोटी बेटी जी वो डिग पी गया उन्होंने वेल्ड मारिया ओदा खून कर दिता क्या निकाला क्या मारा पिस्तौल दा बट मारा बट मारा अच्छा ओदा खून निकल गया वो बिल्कुल ओदा खून निकल दा पुलिस आले ने देखा देखा पुलिस वालों ने देखा थाने आले अच्छा अच्छा वो फिर की कीता मेरी उठे डिग पी गया उन्होंने बड़ा मारिया इतने आ गए मैं फरूका लाल दौड़ी फिर चलो मैं आ जाते सदा लैन चलो माफी मुझे तरला ही है उन्हें तरला भी नहीं मनिया। अच्छा फिर उन्हें की किता भी मेरी बेटी बेटे पै गई है जेड़ा वो मुंडा है ना जेड़ा डिंगा उन्हें मेरी बेटी नही फैल के आंदी है जिया ने किया फैल ओ प्यो ने किया वो डिग पिया हां मेरे पैर च डिग पिया। अच्छा हां वो बच्चा भी ठीक है उन्हें डिग पिया चलो ठीक है ले गए फिर मेनू नहीं पता चलता पिया कौन लेकर गए थे जी पुलिस वाले पुलिस वाले सी कौन लेके गया सी माजी पुलिस वाले अच्छा नहीं खाना ही ठीक है फिर उठे ले गए ठीक है मेरी बेटी आ गई सी है मेरी बेटी बड़ी गई सी उन्होंने आख्या मेरे भाई नु ना छेड़ो ते कुछ ना आख्यो उन्होंने आख्या तन्नू भी अहीं अंदर दे लांगे अच्छा हां तन्नू भी अंदर दे लांगे जा उन्होंने भी मारिया उन्होंने भी मारिया शहर जाके भी उन्होंने मारिया नहीं था उन्हें घड़ी लगे ने मारिया मेरा बेटा वड्डा ਵਿਚ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਬਾਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੜੀ ਲੱਗੀ ਨੀ ਸੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗਾਂ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ अच्छा उन्हें बड़ी दलेरी की थी मेरी थी ने अच्छा ते उन्हें ले गया लो बुरा अच्छा बच्चा हो गया फिर मैंने नहीं आपस आला अच्छा फिर जब तो फोट हो गया है तो आड़ा बेटा वो तो कितने सी की मसला बने आसी उठे उन्हें ने मार दिया था शोर वो बोल दिया नहीं जोर ज्यादा क्या था और वो जाओ ना वो थे जाके खोले उन्हें अगले जहाँ रोजा खोलिया मेरे पुत्र ने ऐसे नहीं खोलिया रोजा था उठे जाके खोलिया सोने के घर जाके ना हाँ जी हाँ जी ला इला इल्लल्लाह हाँ मुहम्मद पाक रसूल अल्लाह सच्ची सच्ची करनी है हाँ ओ चे तनिया से मत तनिया खो के बुझे पाया पे चल कार ला चलना अच्छा जी मौके दे पहुंचा मौके दे अच्छा जी अगे उन्होंने एक ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦਸਤੇ ਫੜਗਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਆਪਦੇ ਮੈਨੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਦੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੱਕ ਜੂਮ ਓਏ ਹੋਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹੋਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾਨ ਚਾਲ ਲੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਾਲਾਂ ਕਾ ਗਾਲੀਆਂ ਨਾ ਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਮਾਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਤੇ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਗਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਕਰੇ ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਦੇਖਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕੋ ਮਰਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਹੋ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਸੀ
हाँ जी तो आड़े सामने इटा मारिया ने। अरे ते ओनू जब मैं पहुंच गया हाँ जी ते ओनू मेरे कोई मंसूबा बना रहा रही। अच्छा लड़ाई जा मंसूबा ये बना रहा ही ते ओनू खावा जो। अच्छा उन्होंने क्या किन्ने लोग सी किन्ने लोग सी किन्ने किन्ने बंदे सी पुत्रा मैं तू नहीं कह सकता बड़े पूरा जैसा सी भी थी लोग सी गे दो बंदे चुंझे कंध दब गए कला घर की इथे कोई बच्चे बेचारे कोई किते कोई किते कोई चाहते हो की मुतालबा है तुहाडा की पे चाहते हो जवान बेटा आंखों के सामने चला गया ओए होए 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 जुल्म कीता साडे नाल ते फिर ओ जाने ते तुसी जानो मैं की कमा ओ जाने या तुसी जानो मैं की कमा मैं झूठ से नहीं मार के तुम कोई गल कह सकता तू मैं भी जन्म नहीं पौनी करना जुलम किया जालम जुलम करता है जालम ने जन्म किया धक्का करके ते साडे बच्चे थां मार छड़िया फिर चार को हस्पताल कढ़िया गड्डी निकली फिर उत्थों ला के इन्होंने पुलिस दे नाल पुलिस नूं आ के उसे ला के अट करी बजी उसे ला के फिर इटा मारिया सिर के बिच पुलिस वाले ने आख्या और पुलिस वाले ने अपनी जान बचा के निकल के लंबे फिर लो खड़िया बच्चे खत्म हो गया काम मुक गया अगू अल्लाह उन्होंने पूछे इंशाल्लाह अल्लाह पूछे ते तुही साडे बादशाह भी मुलाजमी बच्चे भी वही सब कुछ हो यही ऐसा फैसला थी मैं ये लेते भी ये लेते ये ए ए हक सच भी कचहरी जरी है उन्हें भी अल्लाह राजी ये हक सच करना इंशाल्लाह अल्लाह में गिरा के जन्म करने वाले जाते रहते भी अल्लाह फैसला करे तेरा। घर पे और भी लोग मौजूद हैं, इनकी बेवा है, इनके बच्चे हैं, इनके पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं। उन्होंने उस टेचर से नीचे फेंक कर उन्होंने ऊपर ईंटों के साथ मारा आप को। हाँ जी मरे हुए को बेहोश आदमी था बेहोश को इस तरह को काफर भी इस तरह नहीं करता हम कैसे कर सकते हैं हम मुसलमान हैं। पुलिस कहाँ थी पुलिस साथ थी पुलिस दोनों फूल वाला भी साथ था दोनों फूल वाला भी साथ था कड़ियां लगाई हुई थी बेहोश को दोनों कड़ियां ओए होए दोनों कड़ियां लगाई हुई थी। अब मैं जितनी भी बातें बताऊं हमारी तरफ से कोई गोली नहीं लगी हम हलफ उठाते हैं। पुलिस किधर थी पुलिस साथ थी ना पुलिस को तो उन्होंने पहले पैसा दिया हुआ था ना किसने ये जो खिलाफ पार्टी वाले थे खानदान आपके पास सबूत है एक आदमी उनका जो जिसको गोली लगी थी ठीक है वो भी उनकी गोली लगी थी ठीक है क्योंकि हमने गोली चलाई ही नहीं। अबित के ये भाई हैं और इन्होंने अपनी आंखों से सारे का सारा वाकया देखा है। पूरा नाम क्या आपका मोहम्मद रफीक आप रफी मोहम्मद रफी आपसे आबित छोटा है कि बड़ा है बहुत बड़ा आपसे आबित से आप बड़े आबित से आबित छोटा आपसे बहुत छोटा ठीक है। अच्छा मुझे बताएं माँ जी ने अम्मा जी ने मुझे बताया कि आबिद ने मना किया कि गुड्डी ना उड़ाओ ठीक हो गया वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ आप लोगों का फिर इतना बढ़ गया झगड़ा कि आमने सामने दोनों की लड़ाई हो गई है। आप लोग कितने बंदे थे मैं तो मेरा भाई था और दो हमारे बच्चे थे वो इतने इतने वो इधर अभी नहीं है बस ये थे। आप चार लोग थे तीन चार लोग और ये कितने लोग थे ये बहुत ज्यादा लोग थे कितने कम से कम भी 18-20 लोग हैं। अचानक कितने लोग कैसे आ गए जो इधर थे अचानक कितने लोग कैसे आ गए यहाँ पे झगड़ा हुआ ना पहली दफा जो झगड़ा हुआ दफा जो हाँ तो अचानक कितने लोग कैसे आ गए बहुत ज्यादा वो है ही बहुत ज्यादा
अच्छा चले ठीक है, झगड़ा हो गया। उस झगड़े में आपके कितने बंदे जख्मी हुए? मैं जख्मी हुआ। ओहो हो हो। दो लगे मुझे। क्या लगा? ये लगा। क्या ये लगा था? क्या है ये? फैरी है ना, गोली है ना। ओए होए। अच्छा एक आदमी और था। अच्छा उसको भी गोली लगी थी। अच्छा एक बीबी को भी छल्ला लगा था एक छोटा। अच्छा काफी उसी टाइम झगड़ा जब शुरू हुआ है उसी टाइम छर्रे चलाने शुरू कर दिए। शुरू की है। ओए होए। उससे नुकसान हुआ। अच्छा आप लोगों को लगा, और किसको लगा? और ये जफर नाम का आदमी है। आप लोगों का है? हमारा ही है, लेकिन वैसे खड़ा छिड़ाने के लिए खड़ा ठीक है। मैं भी छिड़ा रहा, लड़कू ही नहीं रहा। ठीक है बस वो लड़ाई के लिए तैयार थे। ठीक है फायर लगा और फोत हो गए, झगड़ा हो गया आपस में। आप लोगों ने उनके बंदे कितने मजरूब किए? उनके कितने बंदे हुए जो उनको जख्मी हुए? जो कोई बंदा उनका जख्मी नहीं हुआ। एक आदमी उनका जो जिसको गोली लगी थी। ठीक है वो भी उनकी गोली लगी थी। ठीक है क्योंकि हमने गोली चलाई ही नहीं। कहाँ लगी थी गोली उनके? उनके सर में लगी थी। कौन सी वाली पिस्टल थी? कौन सी पिस्टल थी पता है आपको? ये नहीं पता। आपको नहीं पता? गोली कहाँ लगी? सर में लगी। सर में लगी। वो बेहोश होकर गिर गया। बेहोश होकर गिर। फिर उसको अस्पताल कौन लेकर गया? वो घर वाले ले गए। वो लेकर गए। आप लोगों को कौन लेकर गया? पुलिस वाले। पुलिस वाले? पुलिस आ गई थी? पुलिस आई। कितनी देर के बाद आई? पुलिस तकरीबन आधे घंटे के बाद आई। आधे घंटे बाद आई थी। अच्छा ठीक हो गया। फिर आप लोग चले गए हैं जनाब थाने। थाने ले आपको लगे हुए थे छठे छठे गोलियां जो आप बता रहे हैं, तो फिर आपको हॉस्पिटल लेकर गए? नहीं तकरीबन 8-9 बजे ले गए। रात को? जरूर रात को। उतनी देर ब्लीडिंग होती रही है? हाँ जी। थाने में मेरे भाई को उल्टी हो रही थी खून की। हाँ इधर चोट लगी थी। आबिद को? आबिद को। अच्छा वो उसे होश नहीं था। ओए होए। उसको होश नहीं था। फिर उधर से हम चार आदमी थे, एक वो खड़ा इसका मोटा उतरा हुआ। ठीक है आ जाए इधर मेरे पास आ जाए। अच्छा अच्छा आबिद को खून की उल्टी आ रही थी। हाँ जी आबिद को। ठीक हो गया लेकिन आबिद थाने में था। हाँ ठीक हो गया। फिर पर्चा हो गया? फिर पसरूर लेके गए हैं। ठीक है पसरूर अस्पताल में लेके गए। फिर अस्पताल से तकरीबन जब उन्होंने उधर से छुट्टी दी है, दो आदमी ये एक जफर नाम का आदमी ठीक है इनको उधर रख लिया पसरूर में अस्पताल में। हम दोनों बाबों को उधर भेज दिया सियालकोट। ठीक है जब सियालकोट भेजा इसने, सियालकोट जाते हुए तकरीबन 3 का टाइम हो चुका था रात के। रात के और 3 बजे के बाद जेड़ा ना असा हम उधर पहुंचे हैं। 3 बजे 2-4 मिनट इतना टाइम था जब हम उधर पहुंचे हैं ना। एम्बुलेंस खड़ी हुई है नहीं, एक मिनट ठहरे। जब पहली दफा झगड़ा हुआ आपस में एक दूसरे को मारा, आपको छर्रे गोलियां लगे, भाई की फ्रैक्चर हुई बाजू, उनको लगे आपको लगे, उनका बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया, उसके सर में गोली लग गई, पर्चा हो गया, पुलिस आ गई, पर्चा हो गया, तुहाडे ते पर्चा हो गया, उन्हां ते पर्चा नहीं होया? नहीं होया। ओ मुदई सी? ओ मुदई सी? मुदई पता कि कहते ने ओ मुदई सी? तुसी जालम सी? तुसी मुलजिम सी? ठीक हो गया। आबिद नु गिरफ्तार कर लिया? कर लिया। होर किनु गिरफ्तार कीता? होर आबनु मुझे ये आदमी एक जफर नाम का। अच्छा आप चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया? ठीक हो गया। आप बाकी तीनों की जमानत कब हुई? तीनों नहीं पर्चा हमारे पे नहीं था। हाँ ना। पर्चा किस पे था? पर्चा दूसरे आदमी आबद सा पति के साथ, वो एक वो बच्चा 16-17 साल की उम्र का उस पे था। इसको एक मेरे भाई पे था, मेरा भाई है वो अब से बड़ा उससे गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार हो गए? नहीं हाँ। वो गिरफ्तार नहीं हुआ। आबिद गिरफ्तार हुआ? वो गिरफ्तार हुआ। ठीक है उसके सर पे पट्टी कराई पुलिस ने? नहीं नहीं कराई। नहीं उसी तरह बैठा रहा था? नहीं कितने दिन? कितने दिन नहीं तकरीबन 5-6 घंटे उधर बैठे। 5-6 घंटे बैठा रहा। फिर उसके बाद? उसके बाद पसरूर गए। पसरूर गए एम्बुलेंस में? हाँ। उनके डाले पे जो पुलिस के डाले पे। अच्छा ठीक है पसरूर अस्पताल गए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डॉक्टर ने चेक किया, हम दोनों भाई को उधर भेज दिया अपना हॉस्पिटल सियालकोट। ठीक है ठीक है। जब उधर गए हैं एम्बुलेंस खड़ी हुई है, ये आदमी आ गए हैं, गाली निकालनी शुरू कर दी है। फिर आ गए हैं?
ये तकरीबन होते 30 से 35 लोग था। इनको किसने बताया कि पुलिस ने बंदा हॉस्पिटल लेके जाना है इस टाइम? इस टाइम किसने बताया? आप लोगों में से बताया किसी ने? हम बताते थे, हम ठीक हो गया। अच्छा, वहाँ पे ये पहले से 25-30 लोग खड़े थे? पहले खड़े। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसने हमला कर दिया आबिद के ऊपर। आबिद को, आबिद के साथ बेहोश था। आबिद के साथ कितने लोग थे पुलिस मुलाजिम? दो थे। क्या सिपाही थे, कॉन्स्टेबल थे? दो पूल, एक सिपाही था, दो पूल था, मींस के सब इंस्पेक्टर थे। और बस ये दो आदमी। ठीक है, अच्छा जी, सब इंस्पेक्टर थे और कौन थे? दो फूल वाला जो होता है ना, पता नहीं वो सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, उसे सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। इसके अलावा और कितने थे? दो, एक सिविल कपड़ों में था और एक सिपाही वर्दी में था। टोटल 3 आदमी थे। टोटल 3 लोग थे। आप लोग जब लेकर गए हैं इसको, आबिद को, हॉस्पिटल? हाँ जी। ठीक है, फिर क्या हुआ वहाँ पे? इधर से हमें लेकर गए हैं, जब गाड़ी में डाले में बिठा के, हमने तो समझा कि हमारे को ये हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम आराम से बैठ गए हैं। हमारे ऊपर वो एप्लीकेशन नहीं थी, एप्लीकेशन जो थी ना, नामजद जो आदमी थे वो आबद था, उसके ऊपर था, एक हमारा सादी है उसके नाम उसके ऊपर पर्चा था। आप बीच में ही थे गाड़ी के? जी जी, मुझे भी गाड़ी में डालकर तो अच्छा, ले गए। अच्छा, हमने तो आराम से बैठ गए, हमने समझा कि हमारे को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया, लेकिन बाद में उन्होंने हमें हमारे को कड़ियां लगा कर तो थाने हवालात में बंद कर दिए जाकर। अच्छा, सबसपीर। ठीक है, तो उधर तकरीबन हम 1-2 घंटे हो गए हमारे को, हमारा खून निकल रहा है, हमारे कपड़े भी सारे खून। वो जो हमारा आबद भाई था ना, उसको खून की उल्टियां भी हो रही थी, उसको इतना ज्यादा इधर मारा हुआ था ना। होश में था कि नहीं? हाँ जी, नहीं होश में नहीं था ना, बेहोश ही था ऐसे, बस उसको कोई पता नहीं था मैं किधर हूँ तो किधर नहीं हूँ। बस हम उसको पकड़ कर आगे पीछे, उसके साथ आदमी पकड़ कर आगे पीछे कर रहे थे उसको, कोई खून की उल्टियां बस कर रहा था, रोजा भी उसने रखा हुआ था। ओहो, हाँ जी। तो इधर जो हमारे को उन्होंने मारा ना, हम उसको उठाने के लिए आए हैं, इधर हमारे आबद भाई को उन्होंने गिरा दिया था ना, तो हम उसको उठाने के लिए आए। मेरे चाचे का बेटा जो है तनवीर, वो कहता है जाओ आओ मेरे पीछे बैठो, हम उसको उठा कर ले आते हैं। हमारे उसको मार कर नीचे फेंक दिया, उन्होंने गिरा दिया, बेहोश कर दिया, मसल समझो मार दिया। हम उठाने के लिए आए, हम 3 लोग, तो हमारे 3 लोगों को भी उन्होंने मार मार कर हमारी ये हड्डियां उन्होंने तोड़ दी हैं। पुलिस किधर थी? पुलिस साथ थी ना, पुलिस को तो उन्होंने पहले पैसा दिया हुआ था ना। किसने? ये जो खिलाफ पार्टी वाले थे। अच्छा, बंदू खानदान। आपके पास सबूत है? सबूत ये पक्की बात है? ऐसे तो जो उनकी जो बातें हैं ना, जो पुलिस की बातें हैं वो बताती हैं ना। अच्छा, जो पुलिस हमारे साथ जुल्म कर रही थी वो बताती हैं। जब मौके पे आबिद को मार रहे थे, आप आबिद को उठाने के लिए गए हैं, आबिद तो पहले ही बेचारा बेहोश था, फिर मौके पर आप कहते हैं कि आपकी हड्डियां भी तोड़ी, मारा पीटा। इस टाइम मुलाजिम वहाँ पर खड़े हुए थे जब इधर तोड़ रहे थे? उस टाइम नहीं। हाँ, उस टाइम तो वही लोग थे, ये जो बंदूक खानदान, ये जो हमारे खिलाफ जो जिन्होंने पर्चा कराया, जो कुछ भी कराया, वही लोग थे। उस टाइम पुलिस नहीं थी। पुलिस ने जो हमारे साथ जुल्म किया ना, जो इधर से उठा कर लेके गए हैं, उसके बाद हवालात में बंद कर दिया है, वो बेहोश है, उसको खून की उल्टियां हो रही हैं, ठीक है, तो उन्होंने पुलिस जो है ना, पुलिस उनकी साइड की बात कर रही है, ठीक है, हमारी कोई पट्टी नहीं कर रही। 11 भाई वाले जो है वो भी हमारे को पट्टी नहीं कर रहे। अच्छा, 11 भाई हमारी हिफाजत के लिए, वो भी हमारे को पट्टी नहीं कर रहे, उनको भी उनकी भी बातें बता रही हैं वो। उन्होंने जो फिर आगे करें, आगे बात करें, ठीक हो गया। फिर पैसा मेरे सामने तो नहीं दिया, लेकिन उनकी जो बातें बताती हैं ना वो, ठीक हो गया, उनमें पैसा वो बोलता है। ओके, फिर उसके बाद तकरीबन 2-3 घंटे हम उधर, वो भी बेहोश पड़ा रहे, हम भी उधर ही खड़े हैं, ये लाला रफी भी मेरा भाई ये भी साथ था, और जफर है दूसरा चौथा आदमी, हम 4 आदमी थे, पड़े रहे। बाद में फिर 2 घंटे के बाद उन्होंने हमारे को बाहर निकाला है कि चलो इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, इनको पट्टी चढ़ी। जब निकाला है, उसके बाद उनका जो फयाज है ना, उसके पास भी बहुत पैसा ज्यादा है, इतना पैसा कि उनकी क्रेनें भी चलती हैं, लाहौर में भी उनके कारोबार हैं। वो जब गया, उन्होंने बोला इनको क्यों बाहर निकाला है, SHO को जाकर, ऊपर जाकर SHO के साथ बातचीत कर ली उसने सारी। ऊपर जाने का क्या मकसद होता है हमारे को, उसने भी नहीं पूछा कि ये भी हमारे गाँव के, चलो इनको पूछ लेते हैं इंसान के नाते। वो फिर वो सब कुछ उधर हो गया हमारे को, फिर उन्होंने ना फिर अंदर बंद कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया। बाद में फिर तकरीबन 12 बज गए हैं, लाले को तो पता नहीं है, 12 बज गए हैं। फिर हमारे को उन्होंने पुलिस का जो डाला होता है ना, जो चकड़ा टैप होता है जिसमें मरीजों को सही तकलीफ हो जाते हुए, वो उसने बिठाया, फिर चिविंडे ले गए। चिविंडे वाले कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, फिर वो पसरूर ले गए, पसरूर वालों ने फिर हमारी
वो चेकिंग शुरू की कि किधर गोली लगी है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, डॉक्टर ने उधर शुरू किया हमारा मामला। तो दो आदमी को हमारे को उन्होंने पसरूर में दाखिल कर लिया, एक मुझे, मेरा नाम इफ्तिखार है, दूसरे नाम का नाम है, वो चाचा का बेटा है, उसका नाम जफर है। तो उन्होंने दाखिल कर लिया कि ये दो इधर दाखिल हो जाएं। दो आदमी, आबिद किधर था? आबिद उधर ही था ना। अच्छा, फिर हम चार आदमी इकट्ठे थे, तो दो आदमी को हमारे को दाखिल कर लिया, आबद को और ये रफी को दो आगे, वो कहते हैं इनका ज्यादा मामला है, ठीक है, तो इनको सियालकोट में ले जाना पड़ेगा। फिर वो सियालकोट ले गए, जब तो रास्ते में जो हॉस्पिटल के हाथे में जब पहुंच गए एम्बुलेंस, तो उधर ही आदमी उनके खड़े थे, 30-35 लोग जो बता रहे हैं, उन्होंने स्ट्रेचर से नीचे फेंक कर उन्होंने ऊपर ईंटों के साथ मारा आबद को। हाँ जी, मरे हुए को, बेहोश आदमी था, बेहोश को तो इस तरह को काफर भी इस तरह नहीं करता, हम कैसे कर सकते हैं, हम मुसलमान हैं। अब मैं जितनी भी बातें बताऊं, हमारी तरफ से कोई गोली नहीं लगी, हम हलफ उठाते हैं, हमारा जो आदमी मरा है ये भी उनके मारने से मरा है, हमारी तरफ से अभी तक कोई भी ज्यादती नहीं हुई, अल्लाह पाक गवाह है। आबिद के सर पे ईंटे मारी गई, आबिद वहीं पे फौत हो गया। बस हम दो आदमी हॉस्पिटल में थे ना, तो जो बेहोश है, उल्टियां कर रहा है, उसको होश नहीं है, उसको एम्बुलेंस जब उधर पहुंची है तो स्टेज से नीचे फेंक कर तो ईंटे मारनी शुरू कर दी, 30-35 लोग मार रहे हैं उसको, तो उसका क्या हालत होगी। पुलिस कहाँ थी? पुलिस साथ थी, पुलिस दोनों फूल वाला भी थी? साथ था, दोनों फूल वाला भी साथ था, कड़ियां लगाई हुई थी बेहोश को, दोनों कड़ियां, दोनों कड़ियां लगाई हुई थी, जो दो फूल वाला वो साथ था। हाँ जी, और साथ वो सिपाही भी था। नाम मुझे नहीं आता, हम मुझे भी बस ऐसे ही थे उस टाइम, चक्कर आ रहे थे, मुझे भी बहुत ज्यादा मारा हुआ था, मुझे भी सही क्लियर नहीं था बस, लेकिन मुझे याद है कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है वो तो मुझे याद। जब आबिद को ईंटे मारी जा रही थी, जब आबिद को पुलिस की हिरासत से खींचा गया, तो उस टाइम पुलिस मौजूद थी, लेकिन उसने किया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं। बाबा जी, घर नहीं जाना? फिर ऐसे चंगा ना सुकून है। ओए होए, देखो आपका बेटा रोजे में इस दुनिया से गया है, ठीक है ना? बड़ी खूबसूरत हालत में गया है, ठीक है। आदमी ने पूछ के हुन तुसी कार चलो पुत्र, मैं की करने ने का तुसी जेवे कोई करना की है अपना करो, मैंने अच्छे बहन ना मैंने कुछ थोड़ा टाइम जगा लेने की, पता मेरा भी करे मेरे साथ निकल जाए, दम आवे या ना आवे, मर गया तो जरा इन्हें को बह लांगा, कुछ नहीं दियांगा। ससुर ने जाके आगे हाथ जोड़े, लड़ाई नहीं करनी, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे शोहर ने खुद उनको समझाया कि सबके छोटे बच्चे नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। उन्होंने बोला हमने लड़ाई करनी है, हम अपने बंदे बुला के लेकर आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको सबर दे, अल्लाह ताला आपको हौसला दे। मैं समझ सकती हूँ, जाहिर है छोटे छोटे से ये चार बच्चे हैं, गोद में लेके बैठी हुई हो और बेवा हो गई हो इस उम्र में, बड़ा जुल्म हुआ आपके शौहर के साथ। आप कहाँ पर थी उस टाइम? घर पर ही थी। घर पर ही थी, तो ये झगड़ा वगैरह शुरू ये पतंग उड़ाने से हुआ था कि ना उड़ाओ, मना किया था? हाँ जी, पतंग दरबार पे उड़ा रहे थे तो उन्होंने मना किया था कि दरबार पे पतंग ना उड़ाओ। अच्छा, आपको पता है ये पतंग पे तो वैसे ही पाबंदी लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मना किया कि दरबार पे पतंग ना उड़ाए, ठीक है। वहीं से झगड़ा शुरू हुआ। अच्छा, आके मारा। अच्छा, आके उनको मारा, उन्होंने लड़ाई करी, उनकी टांग पे भी उन्होंने देख पकड़ी थी, वहां से निकाल के डंडे उन्होंने टांगों पे उनके मारे, बाजू पे मारे, मुंह के ऊपर निशान भी यहाँ पे उन्होंने मारा। अच्छा, फिर सब लोगों ने मिलके झगड़ा छुड़वाया। हाँ। दूसरे दिन बाद इन्होंने सारों ने मिलके यहाँ बाहर दुकान है इनकी। अच्छा, दुकान में उन्होंने सारों ने बैठ के अपनी गनों को तैयार किया, प्लान बनाया इन्होंने। अच्छा अच्छा, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। अच्छा, लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। इन्होंने फिर लड़ाई शुरू कर दी है। अच्छा, तो इनके जो बच्चों के पापा, उन्होंने बोला है कि लड़ाई झगड़ा जो है नहीं करना, ठीक है, नहीं करना, रोजा था, रोजे में समझाया, सबने समझाया, ठीक है।
ससुर ने जाके आगे हाथ जोड़े, उनके आगे सबके आगे जाके हाथ जोड़े उन्होंने कि लड़ाई नहीं करनी, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे शोहर ने खुद उनको समझाया कि सबके छोटे बच्चे नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। उनके सारे लड़के सब जमा हो गए, उन्होंने बोला हमने लड़ाई करनी है, हम अपने बंदे बुला के लेकर आ रहे थे। तो एक गया मोटरसाइकिल पर, उसका नाम अब्दुल्ला, जाके बुला के सारे अपने को लेकर आ गया। आके उसने लड़ाई शुरू करी है, इसके बाबा को पहले, सबसे पहले उसने चपेट मारी है मुंह के ऊपर, मार के नीचे गिरा दिया है। नीचे गिराने के बाद उनके जितने भी थे सारों ने इसके बाबा पे हमला किया है। जिसके बच्चे के सर पे पिस्तौल लगी, उसने अपने बच्चे को खुद पीछे से पिस्तौल मारी है। इसका बाबा आगे खड़ा था, उनका बच्चा पीछे था, उसके बाबा ने उसको फेर मार के वहीं गिराया। इनके सारे जी आगे ने अपने हथियार लेके, सिर्फ घर में रफी भाई थे, इनका बाबा था और सिर्फ दो तीन छोटे बच्चे थे, और सिर्फ हम औरतें ही थी बस, और कोई भी नहीं था हमारे साथ, ना कोई गली मोहल्ले से, ना कोई और। ये सिर्फ जो चाचे ताए के बेटे, जब उनको मार के नीचे गिरा दिया ना, उठाने आए तो उन्होंने इनको भी तशद्दुद किया, ठीक है, सर पे मार के फिर ईंटे मारी है, ईंटे मारी है और पत्थर मारे थे, वो वहीं पे भी होश नीचे हो गए हुए थे। हमें तो ये था कि उन्होंने मार दिया, जान से खत्म कर दिया। फिर छोटे छोटे बच्चे थे मेरे में, उनको भी ढूंढा, उन्होंने फिर पुलिस वालों को फोन किया। हौसला करें आप, पुलिस वाले आए, उनके पापा को अंदर लेकर आए, पुलिस वाले आए, आके उन्होंने उसके पापा को पकड़ के यहाँ से लेके गए। यहाँ से ले जाने के बाद अब क्या मुतालबा है आपका? पुलिस वालों ने हमारे साथ नहीं अच्छा किया, हमें भी यहाँ से घर से जबरदस्ती लेके गए, झूठ बोल के हमें यहाँ से वो लेके गए, हमें वहाँ थाने में, हमें भी उन्होंने उनके साथ ही वहाँ पे रखा। जब लेडीज का तो नहीं लेके जा सकते, हमें फिर भी वो लेके गए पुलिस वाले, हमें उन्होंने वहाँ पे रखा उनके सामने। मेरा छोटा बच्चा दूध पीता, उसको भी साथ लेके गए, उसे भी वहाँ लेके गए, हमें वहाँ रखा इन्होंने। मैंने उनको बहुत बोला कि नहीं ऐसा नहीं, वो मेरा छोटा बच्चा है, हमें हमारे सारे आदमी यहाँ नहीं बात सुनी कर दे, नहीं बात सुनी उन्होंने, हमारी कोई बात नहीं सुनी। फिर वहाँ पे जितने भी बड़े CHO जो भी है वो भी आए। कब तक रही हो थाने में? काफी रात तक वहाँ थाने में रहे, हमारे सामने से इसके बाबा को लेके गए, उनके जितने भी थे आदमी। और आपके शौहर उधर बेहोश थे? हाँ जी बेहोश थे, खून की उल्टी भी हो रही थी। पुलिस वाले कुर्सी पे बैठे थे कि गिरे हुए थे? नहीं नीचे फर्श पे गिरे हुए थे। ओए होए, जिनके बेटे को लगा उनके सारे आदमी पुलिस स्टेशन में रात तक बैठे रहे। उन्होंने पुलिस वालों के साथ प्लानिंग की है वहाँ बैठ के कि हमें ये आदमी चाहिए, हमने इसको मारना है। बकायदा कयूम जो है उसने इशारा किया कि मुझे आपस चाहिए, इसको मारना है। कयूम कौन है? जिसके बेटे के सर पे फैल लगा, उसने बोला। फिर उसने वहाँ पे इशारा करके भी बताया कि हमें आपस चाहिए, इसको हमने मारना है। जब इसके पापा को पटिया बहाने से लेके गए हॉस्पिटल, हाँ फिर सारे ही गाड़ियों में बैठ के सारे वहाँ पे गए ना हॉस्पिटल से, बोल के वहाँ पे इसको तशद्दुद करना, मारना, सबके पास गए ना मौजूद थी उस टाइम, सारे हथियार लेके गए हुए थे ये सारे हमारे पास से, हमें लेके गए इनको कि इनको तो शद्दुद ऐसा करना। पुलिस वालों ने उनका पूरा साथ दिया, पैसे खाए ना उन्होंने हमारे सामने, सब कुछ किया। उन्होंने बाहर हॉस्पिटल के फिर बहुत मारा उनको। बहुत इंसाफ ही हमारे साथ की, मेरी हुकूमत से अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे हर हालत में इंसाफ चाहिए। उन्होंने मेरे शोहर को बदकड़ियां बांधी हुई, बोल नहीं सकते थे, बहुत तशद्दुद किया, मुझे हर हालत में इंसाफ चाहिए। मेरी आप सबसे हुकूमत से यही बस दरखास्त है, अपील है, मुझे इंसाफ चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, इनका कोई भी नहीं है, मेरा सास ससुर बुजुर्ग, इनका कौन सहारा बनेगा, हमें बेसहारा करके चले इन्होंने करवा दिया, सारा इनका कसूर है। ये है आबिद की कबर जिस पर वालिद साहब बैठे हुए। बाबा जी घर नहीं जाना? फिर ऐसे चंगा ना सुकून है, ओए होए देखो ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ
चंगे चंगे पासे गया अपना बलि पेदे मलंग मेरे पीर वाला डेरा उन्हें आख्या चीजा मेरे पीर वाला डेरा सारे कम फटा हो गए मार गया आपका बेटा रोजे में इस दुनिया से गया है ठीक है ना बड़ी खूबसूरत हालत में गया है ठीक है चलो आजाब दूर हो जाएंगे ठीक है बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन ये एक बाप की दोहाई है कि बाप कितने बुरे तरीके से ज़ाहिर है बुज़ुर्ग हैं ये इनकी उम्र अगर हम देखें तो तकरीबन 95 साल 100 साल के करीब इनकी उम्र है ये रो रहे हैं ये कह रहे हैं मैंने घर जाके क्या करना है अब मेरा टाइम है यहाँ आने का। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कब्र में जो शख्स है उसको किसी जानवरों ने नहीं नोचा इंसानों ने नोचा है उसको किसी भेड़िए ने नहीं खाया इंसानों ने मरे हुए शख्स के सर पर ईंटें मारी हैं। डीपीओ हसन इकबाल साहब जो कि सियालकोट में तायुनात हैं उन्होंने थाना सब स्पीर के 2 मुलाजिम और एसएचओ को सस्पेंड किया कि ये पुलिस ने प्रॉपर तरीके से इस पर काम नहीं किया पुलिस को फौरन इस पर रिस्पांस करना चाहिए था और पुलिस की कस्टडी से कैसे हुजूम ने बंदे को छीन लिया और फिर ये वाकया पेश आया भरपूर एक्शन लिया और ये यकीन दहानी करवाई कि हम इस पर जरूर काम करेंगे और कैफे किरदार तक तमाम मुलजमान को जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये बाप आप देख रहे हैं 95 साल इनकी उम्र है कहीं कांपने लग जाते हैं। मैं तो इनसे गुफ्तगू करते हुए थोड़ी सी परेशान भी हुई कि कोई ज्यादा सदमा ना ले लें किस तरह से ये रो रहे हैं कि मैंने घर ही नहीं जाना मैं यहीं पे बैठे रहूंगा क्योंकि मुझे सुकून आता है कि मेरा बच्चा इस कब्र में है मैं यहीं पे पढ़ पढ़ के इसको बख्शता हूं और मेरी बातें होती हैं इससे। बड़े अफसोस की बात है के बाप को इस तरह से कब्र के पास बिठा दिया इस उम्र में 95 साला बाप जब अपने बेटे को इस दुनिया से जाता हुआ अपनी आंखों के सामने देखेगा और इस जुल्म और बर्बरियत के साथ तो उस बाप पर क्या बीतेगी उसकी हाथ से बचना चाहिए। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़।